स्टार्ट। नमस्कार, मैं आई फॉर यू चैनल से आप सभी व्यूअर्स का आज संडे मॉर्निंग में सबका स्वागत करते हैं। आज मैं शिव मंदिर सेलवाग अलीगंज के प्रांगण में कुछ बच्चों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसको आज योगा कार्यक्रम के अंतर्गत शंख फूकने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप तो जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी कर्म है तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, उससे जुड़े हुए सेहत के फायदे हैं। हमने जानने की कोशिश की विशेषज्ञों से कि शंख फूकने से क्या फायदे हैं। पता चला कि हमारी प्राचीन संस्कृति से ही शंख फूकने की परंपरा रही है। शंख फूकने से जहां हमारे आसपास के वातावरण शुद्ध होते हैं, छोटे मोटे कीटाणु विनाश होते हैं, वहीं व्यक्तिगत रूप से भी शंख फूकने के कई फायदे हैं। जैसे अगर किसी को सांस की बीमारी है तो उसे लगातार शंख फूकना चाहिए, इससे सांस की बीमारी जो है समाप्त होती है। शंख फूकने से हमारे शरीर के अंदर की मांसपेशियां, कोशिकाओं का व्यायाम होता है और वो मजबूत होती है, तो हमें इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे व्यूअर्स यदि आप पूजा पाठ करते हो तो ज़रूर शंख फूकें, और यदि नहीं भी करते हैं तो आप स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से इसे फूकें, आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि हमने इसे आजमाया है। मैं भी जो है शंख फूकने की कला को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसको पता नहीं है। स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। ये ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ये सारा हवा इसमें जाना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं पता है, धीरे धीरे बहुत जोर से नहीं, ऐसे करके, ठीक। व्यूअर्स को भी दिखाइए, व्यूअर्स को, जैसे मैं इस शंख के अंदर जो पूरा हवा डालने का प्रयास करूंगा, और धीरे से, बहुत ज्यादा से एक बार सवार नहीं, करना नहीं है, वांछन ले लीजिए। संघ प्रतियोगिता को शुरू किया जा रहा है आई फॉर यू चैनल के द्वारा। 1 2 3 स्टार्ट। पर ये कंटिन्यू रहा ना, आप रुक जाएंगे, ठीक है सर। ये भी सर रुका है सर, आज सर हम ये सर कि सर सब रुक रुक की वजह से सर, जैसे कि हम और छोटे लगातार एक बार बजाए ना, फिर नो रुके नहीं, आदर्श भी पू बजाया फिर रुका, फिर पू बजाया फिर रुका, क्योंकि तीन
लाइट कट, लाइट हो गया, हो गया। 30 मिनट।